सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं ऑटो एक्सप्लोरर के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। 2022 में एडवांस फीचर्स और लुक के साथ लॉन्च होने वाली है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले 5 सालों में ताबड़तोड़ नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है। महिंद्रा 1 दर्जन से ज्यादा नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में महिंद्रा ने 5 सीटर और 7 सीटर XUV 700 को लॉन्च किया है। वहीं अब कंपनी अपने सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में स्कॉर्पियो को रोड टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। माना जा रहा है कि कंपनी स्कॉर्पियो को अगले साल की दूसरी छमाही में लॉन्च कर सकती है। तो आइए जानते हैं नई स्कॉर्पियो में क्या खास फीचर्स होंगे। नई स्कॉर्पियो पहले से ज्यादा स्मार्ट होगी। नई स्कॉर्पियो में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर दिया जा सकता है। यह फीचर फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर को मिलेगा। इसके अलावा नई स्कॉर्पियो में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का फीचर्स मिलेगा, जिसके जरिए यूजर अपने स्मार्ट से कार को कनेक्ट कर सकेंगे। साथ ही एप्लीकेशन के जरिए गाड़ी को ट्रैक भी कर सकेंगे। नई स्कॉर्पियो में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर से लैस होगा। वहीं स्कॉर्पियो में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलेगा, जिसकी मदद से SUV को हम कम जगह में आसानी से पार्क कर सकते हैं। वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नए स्कॉर्पियो में 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग का फीचर्स मिलेगा। नए स्कॉर्पियो में महिंद्रा थॉर की तरह स्टैंडर्ड 4x4 का फीचर्स दिया जा सकता है। स्कॉर्पियो में कई टैरेंट मॉडल मिलेगा। टैरेंट मॉडल के जरिए 4x4 फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं टॉर्क को भी टैरेंट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा नई 2022 स्कॉर्पियो में ट्विन पॉड LED हेडलैम्प के साथ प्रोजेक्टर लैंप का सेटअप मिलेगा। रेयर में LED टेल लैंप होगा, जिसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलेगा। नए स्कॉर्पियो में पुश बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स के साथ कीलेस एंट्री के अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी फीचर्स मिलेगा। नई पीढ़ी की स्कॉर्पियो में पैनोरामिक सनरूफ के अलावा 10 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलेगा। वहीं नई स्कॉर्पियो में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS का फीचर्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह फीचर देने से स्कॉर्पियो की कीमत में इजाफा हो सकता है, जिससे कंपनी परहेज कर रही है। इसके अलावा स्कॉर्पियो को 7 सीटर के साथ भी उतारा जा सकता है। थर्ड रो में साइड फेसिंग सीट दी जा सकती है। वहीं 6 सीटर वर्जन में दूसरी कतार में कैप्टन सीट दी जा सकती है। इंजन की बात करें तो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा, जो पहले ही XUV 700 में ऑफर किया जा चुका है। स्कॉर्पियो के नीचे के वेरियंट में 130 BHP की अधिकतम पावर दी जा सकती है, जो थार में भी दी गई है। वहीं 300 Nm का टॉर्क आउटपुट भी मिलेगा और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का फीचर्स भी मिल सकता है। वहीं ऊंचे वेरिएंट में 160 से 170 bhp की अधिकतम पावर वाला इंजन दिया जा सकता है। इसमें 360 Nm का टॉर्क आउटपुट ऑफर किया जा सकता है। XUV 700 का MX Trim 360 Nm टॉर्क के साथ एक 155 bhp की अधिकतम पावर देता है। वहीं ऊंचे ट्रिम्स में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।